अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद। हर खबर से बाखबर हमारी है सब की नजर। T9 न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं आज की खुसूसी खबर। ऑनरेबल स्पीकर सर, सर आई थैंक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब फॉर गिविंग अस अ डिटेल रिप्लाई। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग रिप्लाई सर, आई थैंक हिम वंस अगेन वेरी मच सर। Sir, there are few clarifications which I would like to seek. The first and foremost, sir, through you, I would like to request the Honorable Minister Saab, Chief Minister Saab, to kindly give us a permission so that myself, K.T. Rama Rao Saab, Finance Minister, Minority Welfare Minister, and Mahmood Bhai, we all can sit and I have already requested K.T. Rama Rao Saab for a meeting. So that we could just see about the 1 lakh subsidy scheme for the minorities, as many as 2,16,000 applications have been received during the financial year of 22-23, and are with the TS Minority Finance Corporation. Sir, the funds available with the corporation is 120, and another 150 has been given. If 230 crores are given, then I think we can disburse loans up to more than 500 crores will be there, sir. 50,000 applications can be cleared with this amount. So for this, I had requested if you can kindly give a permission and instructions to the ministers, we can sit together and see how we can make this subsidy scheme successful, sir. There is another issue about these overseas scholarships, sir. In the fall season for 2022, as many as 900 applications were received, and the selection committee has to approve 200 or 250 application. So selection committee has not yet been constituted and they have not selected. So my request through you is that in that meeting we can address this issue also, sir. And also for the spring season of 2023, applications are needed to be called, sir. दूसरे लोगों में सर एससी बीसीज और ब्राह्मण्स में साल के 12 महीने एप्लीकेशन खुला रहता है, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, वक्त पे रहता है। तो ये भी इशू हम, अगर आप इजाज़त दिए तो हम बैठ के मीटिंग में इसको भी हम देख लेते हैं सर। और ये एमटीएफ आरटीएफ का भी है, एडिशनल 200 करोड़ होना है इसमें भी। तो इन सारे मसाइल को अगर आप इजाज़त देते हैं तो हम बैठ सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी जो आपके नज़र लाना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब, वो ये है, स्टेट गवर्नमेंट शुड रिवाइव द स्टेट स्कीम फॉर प्री मैट्रिक स्टेट स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ऑन पार विद एससी एसटीज एंड बीसी सर। क्योंकि अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता था तो वही पैसा दिया जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से एससी एसटीज और बीसीज को दिया जा रहा है, माइनॉरिटीज को नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि माइनॉरिटीज को भी एससी एसटीज और बीसीज की तरह अगर दे दिया जाता है तो उनको भी काफ़ी सहूलत होगी। और मैं और एक आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 में TRS जब थी, उस वक्त आपने इलेक्शन से पहले भी ऐलान किया था और मजलिस भी बार बार ये ऐलान कर रही है, बार बार मुतालबा कर रही है कि जुडिशियल पावर्स देने के लिए वक्फ बोर्ड को। तो मैं इसके लिए भी आपसे अपील करूंगा कि इस ताल्लुक से भी अगर आप लीगल डिपार्टमेंट को अगर बोलते हैं तो वो लोग कम अज़ कम एक प्रोसेस को स्टार्ट तो कर सकते हैं कि किस तरीके से जुडिशियल पावर्स वक्फ बोर्ड को दिया जा सकता है। फिर मैंने आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा और आपसे ये भी मुतालबा करना चाहता हूं कि हमने पहले भी कहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोमिनेंट पर्सन्स इन माइनॉरिटी फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी इन TS पब्लिक सर्विस कमीशन, इन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी एज गवर्नमेंट लीडर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट GPs एंड असिस्टेंट PPs के लिए सर। तो ये भी एक आपको ही इसके ऊपर कुछ फैसला लेना पड़ेगा कि कोई किसी को भी डालिए, एक प्रोमिनेंट मुसलमानों को हर जगह पर हायर एजुकेशन का है, उसमें भी हमने मुतालबा किया था। और मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि महमूद भाई जब हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उस वक्त से एक पुराना मुतालबा है ओल्ड सिटी में एक रजिस्ट्रेशन के ऑफिस का, वो वादा भी किया गया था, वो अभी नहीं हुआ है। तो उसके साथ साथ बल्लागुड़े में एक बस डिपो के लिए भी हमने मुतालबा
किया है, वक्फ की जमीन है, तो वक्फ की जमीन में अगर वक्फ बोर्ड से हम एनओसी ले लेते हैं तो वहां पे एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी आ सकता है, बस डिपो भी आ सकता है और एक बड़ा सबस्टेशन भी वहां पे हम ला सकते हैं। तो मैं और एक बात, मैं बार बार हमारे मिनिस्टर साहब से, हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर कि ये आरोग्यश्री के ताल्लुक से है। 2007 में आरोग्यश्री के रेट्स को उस वक्त तय किया गया था, 2007 से लेकर आज तक भी आरोग्यश्री के रेट्स को इन्हेंस नहीं किया गया, तो इसके ऊपर भी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा तवज्जो दें। और उसके साथ ही साथ आरोग्यश्री के पास केसेस है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स में, सिर्फ टीचिंग हॉस्पिटल्स में उसकी इजाजत अगर दे दी जाती है तो टीचिंग मटेरियल हॉस्पिटल्स में और ज्यादा होगा। और एक अहम मसला मैं पहले भी उठाया था, इस्तकबाल किया था आपने जब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को रेगुलराइज करने का वादा किया और 11,000 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को करीब आपने रेगुलराइजेशन का प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो मैंने उस वक्त भी मुतालबा किया था, आज भी फिर ये कर रहा हूं कि इन 11,000 में रिजर्वेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करना जरूरी है सर, क्योंकि हो ये रहा है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को लिया गया था तो उस वक्त रिजर्वेशन के हिसाब से उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं लिया गया, लेकिन अब जब इनको रेगुलर कर रहे हैं तो उस वजह से मुसलमानों का तनासुब काफी कम होता जा रहा है। उसके साथ ही साथ आपने ये भी ऐलान किया कि पब्लिक वर्क्स में, पब्लिक वर्क जो अलॉटमेंट होता है उसमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी के बिना पर आपने एससीज को, एसटीज को और बीसीज को भी दिया है, तो बीसीज को जो 25% आपने दिया है उसमें बीसीई मुसलमानों को भी देने के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इसके ऊपर भी करेंगे। और फिर से मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है वो ओल्ड पेंशन स्कीम के ताल्लुक से कि पीआरसी आप नया तश्कील देने का आपने वादा किया है, कम से कम ये ओल्ड पेंशन स्कीम के मैटर को उन तक अगर आप रुजू करें तो पीआरसी स्टडी करके बाद में आपको रिपोर्ट दे सकता है। काफी मुलाजिमीन इस ताल्लुक से बार बार हमसे दरख्वास्त कर रहे थे। और ये और एक एक बात मैंने कहा था कि कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के ताल्लुक से द पोस्ट ऑफ ACTO एंड DSTO वर्किंग एज कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट एज नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स, इसमें फाइनेंशियल बर्डन कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनको गेजेटेड ऑफिसर का रैंक देना है, तो उसके लिए भी मैंने दरख्वास्त किया था। और फिर 169 हमारे जो लेक्चरर्स हैं उनका पेंडिंग है, जीओ का, जूनियर कॉलेज के लेक्चरर्स का आपके दफ्तर में सीएम साहब पेंडिंग है उनके रेगुलराइजेशन का फाइल, तो उस ताल्लुक से भी मैं करूंगा। और नर्सिंग डायरेक्टरेट एस्टैब्लिशमेंट का साहब, ये नर्सिंग स्टाफ बहुत मदद करता है और काफी काफी वो लोग काम करते हैं, तो अगर नर्सिंग डायरेक्टरेट एस्टैब्लिश हो जाता है तो दिस विल एक्सेलरेट एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ नर्सिंग कैडर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंग डायरेक्टर इन तेलंगाना, द नर्सिंग वर्कफोर्स प्लेज अ वाइटल रोल इन हेल्थ केयर सर। फिर से मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के स्टाफ लेक्चरर्स को रेगुलराइज करने का उनका एक पुराना मुतालबा है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी, और मैंने ये स्पाउस के बारे में भी आपसे दरख्वास्त की थी कि हमने 16 डिस्ट्रिक्ट्स में किया है, 13 डिस्ट्रिक्ट छूट गए हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमदर्दी के साथ अगर आप करेंगे। उर्दू 69 सेल्फ फाइनेंस का साहब उसका था, और ये DSC 1998, 2003 एंड 2007 के बारे में भी मैंने आपसे कहा था। उम्मीद करता हूं कि इसमें से जो भी आप सही समझते हैं जितना भी कर सकते हैं अगर इसके ऊपर भी अगर आप गौर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि काफी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये प्रमोशन आम रिजर्व पुलिस का होम मिनिस्टर साहब ने लास्ट असेंबली में वादा किया था, सारे लोगों को कर दिया, थोड़े से बच गए हैं, अगर इनको भी अगर आप कर देंगे तो ये लोग भी काफी खुश होंगे, क्योंकि इनका ये परमिशन था आम रिजर्व पुलिस का कांस्टेबल, हेल्थ कांस्टेबल, ARSI SIs विच इज पेंडिंग फ्रॉम द लास्ट 2 years सर। आई होप दैट द इश्यूज विच आई हैव रेस्ड would be considered by the honorable chief minister sahab, and I thank you very much for giving me this opportunity sir. Minister, Akbar sahab, main aapko ek hi baat kehna chahta hu, hamare riyasat ke jitne bhi log hai wo chahe hindu hai, musalman hai, dalit hai, bc hai, sarkari kamon mein, sarkari subsidies mein
हर किसी का सिमिलर दर्जा होना चाहिए। एक को मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है, वो ठीक बात नहीं है। एक दलित बंधु एक ऐसी स्कीम है जो सबसे बॉटम लाइन में गरीब से गरीब दलित है, इसलिए उनके लिए एक स्पेशल स्कीम लाया गया था। लेकिन बाकी मामलात में मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जो स्कॉलरशिप का आपने जिक्र किया उसका मेरा पूरा एहसास है। मैं हरीश राव जी से कहता हूँ, उनके सदारत में होम मिनिस्टर साहब भी जाएंगे, म्यूनसिपल मिनिस्टर भी जाएंगे, उन्हीं के चैम्बर में उनसे मालूम कर लीजिए, आप कल या परसों बैठ लीजिए, ये सारे मसाइल जितने भी आप उठाए वहाँ ड्राफ्ट कीजिए, क्या क्या निकल सकता है उसमें। हरीश राव साहब को मैं कहता हूँ, वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बुला लीजिए, माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी को भी बुला लीजिए, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर साहब को भी साथ ले लीजिए, सभी मिल करके एक आइडिया पे आ जाइए। दूसरी बात, मैं आपसे ये खुलकर कहना चाहूँगा, ओल्ड पेंशन स्कीम का बड़ा मल्टी नाटी हो गया है। इट हैज़ बिकम ए पीटा मुड़ी बोलते हैं उसको तेलुगु में, ऐसा कर दिए लोगों ने। अभी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हम ओल्ड पेंशन ला देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ वादे का वादा रह गए। जो कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछ रहे, उसका एक सिस्टम उन्होंने बना दिया, कांग्रेस सरकार ने ही बना दिया था, उसको बीजेपी अमलावरी में लाया, वो पेंशन फंड बोल के बना दिए। सरकार के पैसे, एम्प्लॉयज़ के पैसे जाके वहाँ जमा हो गए, वो वापस देने के लिए तैयार नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उसमें कोई किसी को अभी अंदाज़ा नहीं है। पर चल रहा है, उनका डिमांड चल रहा है, सरकारें सुन रहे, कुछ सरकारें सिंपथेटिक है। तीन चार जगह तो कांग्रेस पार्टी ने ऐलान भी किया, हिमाचल में उसी नारे पे कांग्रेस ने जीता, लेकिन जीतने के बाद कुछ नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम एग्जामिन करेंगे इसको ज़रूर, इस बात को। हमारे ही मुलाजिम हैं, उनका लाइफ गारंटी चाह रहे वो लोग, इसमें क्या है, पूरा ज़िंदगी भर तक एक हमारा ये रहता, बल्कि उनका सेफ्टी चाह रहे, लाइफ सेफ्टी चाह रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चीज़ को मैं यूं ही नहीं कह सकता, गैर जिम्मेदार नहीं कह सकता, लेकिन इसको ज़रूर एग्जामिन करेंगे। जो कुछ भी अपने तरफ से किया जा सकता है, सिंपथेटिकली विल डू दिस। और दूसरा, आपने एक अच्छी बात कहा कि ये ओवरसीज स्कॉलरशिप्स हो, जुडिशियल पावर्स हो, इन सारे चीज़ उस कमेटी में, मंत्रियों के कमेटी में आप लाइए। वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहिबा भी रहेगी, दूसरे सेक्रेटरीज भी रहेंगे, तो इसके हिसाब से क्या क्या किया जा सकता है, आप नतीजा निकालिए, मैं इसको ज़रूर गौर करूँगा। और हर शोबे हयात में मुसलमानों की नुमाइंदगी की बहुत ज़रूरी है, कुछ जगह खाली है हमारे पास, मैं आपको शायद चिट्ठी भी लिखूँगा, आपकी तरफ से कुछ नाम दीजिए। हमारे महमूद भाई ने भी कुछ नाम प्रपोज़ किए हैं। कुल मिलाकर के जो कमेटियाँ पेंडिंग है, मैं आपसे वायदा करता हूँ, हर शोबे हयात में मुसलमानों का नुमाइंदगी ज़रूर होगी जब तक बिहार सरकार रहेगी, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ।